नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मुझे एक चीज़ बताओ, हमने अभी तक क्या किया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने हमेशा इसे एज्यूम किया एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है। मैं लिख रहा हूँ कि मैंने कौन सा एग्जांपल लिया, हॉरिजॉन्टल सर्कल का। हॉरिजॉन्टल बॉडी घूम रही है, मैंने आज तक जितने भी एग्जांपल हॉरिजॉन्टल के लिए, मैंने हमेशा स्पीड को क्या रखा, सेम रखा, मैंने कभी चेंज नहीं किया। और ये मोशन क्या थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ऐसे समझाया गया था कि अगर मान लो मेरे को पूरे शहर का चक्कर काटना है जो कि कई किलोमीटर लंबा है, तो मैं अपनी गाड़ी को पहले कुछ लीनियर चलाऊंगा कुछ किलोमीटर, फिर मोड़ के सीधा चलाऊंगा, फिर कुछ बहुत देर बाद मोड़ आएगा, फिर मैं मुड़ूंगा। तो सर्कल मैं ऐसे ही कवर करूंगा पूरे शहर को, पर कुछ किलोमीटर सीधा चलूंगा। जब तक सीधा चल रहा हूँ तो मेरी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, हर इंस्टेंट पर 2 2 2 2 ही रखी, फिर मुड़ गया 2 2 2 2 2, फिर मुड़ गया 2 2 2 2 2। कहने का मतलब है कि स्पीड की वैल्यू मैंने कभी भी चेंज नहीं की, मैंने एक ही स्पीड पे गाड़ी चलाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कैसे? कोई कहेगा कि शहर का चक्कर काटो, अब मैं स्कूटर कैसे चलाऊंगा, मैं रेस देना शुरू कर दूंगा, यहां से यहां सीधा जाना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पीड बढ़ रही है, और फिर आगे जाऊंगा 11 12 13 14 15। तो यानी कि जब मैं इसका स्मॉल पोर्शन भी लूंगा, जब मैं इतना पोर्शन भी ले गया, जब मैं स्ट्रेट मूव कर रहा था, उस दौरान भी मैंने स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया था, मैंने उसके अंदर भी स्पीड को बढ़ा दिया था। ये बात समझ में आ रही है? और जब मैंने इसके अंदर स्पीड को बढ़ा दिया था, यहां से यहां जाने में भी स्पीड बढ़ गई, तो फिर यहां से यहां जाने में एक एक्सलरेशन पैदा हो गई, जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन। वो इसलिए क्योंकि मैं जब टेंजेंट की तरह चल रहा था, सीधा टेंजेंट की तरह चल रहा था, तो मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया था इस डायरेक्शन में। जब मैं सीधा चल रहा हूं तो उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन पैदा हो गई 80। तो किसी ने कहा सर सेंट्रिपिटल, वो तो है ही है, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सलेशन बॉडी को किस में घुमाती है, इन अ सर्कल। ये एक्सलेशन स्पीड बढ़ा रही है, सेंट्रिपिटल एक्सलेशन डायरेक्शन घुमाने में हेल्प कर रही है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था सेंट्रिपिटल एक्सलेशन क्या करती है, बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, स्पीड चेंज नहीं करती। ये फर्स्ट लेक्चर में डिसाइड हो गया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सपोज करो जैसे ये एक बॉडी है, तो डायग्राम बना सकते हो ये वाला भी। तो मान लो ये एक बॉडी है, और जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, जैसे ये लो, जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, तो एक एक्सेलरेशन जनरेट हो गई 80, और सेंट्रिपिटल तो सेंटर की तरफ हर वक्त रहेगी ही रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब, जब कोई गाड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ाएगी, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, प्लीज ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है। आपको क्या हॉरिजॉन्टल कैसे, ये तो वर्टिकल है भाई, टॉप व्यू है ये टॉप व्यू है। प्लीज टॉप व्यू समझते हो कि बॉडी हॉरिजॉन्टल घूम रही है, और मैंने फोटो ऐसे क्लिक की है, क्योंकि घर जाके आपको लगेगा सर ने कहा था वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल ही है। सही है? तो हॉरिजॉन्टल सर्कल है और इसका टॉप व्यू है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्पीड बढ़ती जा रही है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन आ गई, और सेंट्रिपिटल तो है ही है, तो नेट एक्सलेशन क्या आएगी, इन दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो यहां पर जो नेट एक्सलेशन आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है यहां तक? तो मैं बता देता हूं कि 80 का मतलब यहां पर टेंजेंशियल एक्सलेशन है, और इसका होने का जो रीजन है वो क्या है, चेंज इन स्पीड। स्पीड क्या हो रही है, चेंज। और एसी का मतलब कौन सी एक्सलेशन है, सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है, और सेंट्रिपिटल एक्सलेशन होने का जो रीजन है वो क्या है, चेंज इन
डायरेक्शन, जब बॉडी अपनी क्या चीज चेंज करती है, डायरेक्शन, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन डायरेक्शन चेंज करने की वजह से पैदा होती है और एटी स्पीड चेंज करने की वजह से पैदा होती है, सही है। और सोचो अगर आपकी बॉडी, स्पेशल केस लिखने जा रहा हूं मैं यहां पे, स्पेशल केस है, अगर मान लो आपकी बॉडी का एटी जीरो है, एटी जीरो यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है ही नहीं, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो नेट एक्सेलेरेशन सिर्फ क्या बचेगी, सिर्फ एसी, यानी कि बॉडी मूव करेगी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड तो चेंज होगी नहीं। अब इसका मतलब जिन क्वेश्चंस में एटी इन्वॉल्व होता है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, उनमें पक्का स्पीड चेंज होती है, और जिन क्वेश्चन में एटी नहीं होता, सिर्फ एसी होता है, इसका मतलब वहां स्पीड चेंज नहीं होती, वहां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। तो जिन क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें एटी भी लेना पड़ता है और एसी भी लेना पड़ता है, समझ में आ रहा है यहां तक, वहां नेट एक्सेलेरेशन इसके इक्वल रहती है, सही है। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक।